हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर और अब आपकी परीक्षाओं में केवल तीन महीने का समय बचा है और ये तीन महीने आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं इस तीन महीनों में आप कैसे पढ़ाई करें इन सब के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं आप में से कुछ विद्यार्थी पिछले छः महीने से या साल भर से लगातार तैयारी कर रहे हैं और कुछ विद्यार्थियों ने दो तीन महीने से तैयारी शुरू की है कुछ विद्यार्थियों ने कुछ दिन हुए तैयारी शुरू की हुई लेकिन अगर आप ये आने वाले तीन महीने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते हैं तो इन तैयारी के दौरान आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आपने पिछले छः महीने अच्छी तैयारी की और इन तीन महीनों में आपकी तैयारी कहीं ना कहीं डाउन हो गई या सही रणनीति नहीं अपनाई तो वो छः महीने हो सकता है आपके रिजल्ट को ज़्यादा प्रभावित कर देंगे लेकिन अगर आपने पिछले दो महीने से ही तैयारी शुरू की है और इन तीन महीनों में आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं अब सवाल यह है कि इन तीन महीनों का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें इन तीन महीनों का सदुपयोग कैसे करके हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं इस प्रकार के सेशन में हम लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे और आज की सेशन में इन तीन महीनों की बेहतरीन तैयारी को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन अंतिम तीन माह की जो आपकी रणनीति रहने वाली है उसमें देखिए कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे कि आपका सिलेबस है जो पूरा कब तक हो जाना चाहिए पहली बात तो आप सबके पास सिलेबस आपका प्रिंटेड आपके टेबल पर रोना चाहिए और उसमें से कौन कौन से पॉइंट आपने पढ़ ली हाईलाइट उनको करते चलिए जो विद्यार्थी लगातार लंबी तैयारी करते आ रहे हैं उनका मैं कह रहा हूं हो सकता है उन विद्यार्थियों ने सिलेबस पूरा कर लिया हो लेकिन यदि किसी का नहीं हुआ है तो बीस दिसंबर तक वो अपना सिलेबस पूरा कर ले हंड्रेड परसेंट है कि वो बीस दिसंबर से पहले पहले अपना सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए बीस दिसंबर में भी अभी आपके पास चालीस से पचास दिन पड़े हैं और इतना दिन खूब होते हैं इस सिलेबस को पूरा करने से और यदि किसी ने थोड़ी सी देरी से तैयारी की है तो वो इस साल के अंत तक ये सिलेबस को पूरा कर ले क्यों क्योंकि आने वाला एक महीना आपको कंप्लीटली रिविजन में देना है और इससे पहले यदि किसी ने तैयारी इसमें अपना सिलेबस पूरा कर लिया है तो वो लगातार रिविजन करते रहें तो ये तो रही सिलेबस की बात कि सिलेबस कब तक पूरा होना चाहिए बीस सितंबर तक अदरवाइज 31 20 दिसंबर तक और अदरवाइज आप 31 दिसंबर तक हर हाल में सिलेबस पूरा कर लें अब प्रश्न रहेगा कि यदि किसी का सिलेबस अधूरा है तो वो पूरा कैसे करें और यदि किसी को रिवीजन करना है तो वो रिवीजन कैसे करें तो उस पर एक बात करते हैं सिलेबस पूरा कैसे करें या आप रिवीजन कैसे करें आपके सिलेबस को मैंने इस तरह से बांटा है आप अपने सिलेबस को तीन भागों में बांट लीजिएगा जीके वाला जो पोर्सन है जनरल नॉलेज वाला सामान्य ज्ञान वाला उसके साथ साथ करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, उसके साथ साथ राजस्थानी भाषा वाला पोर्शन और कंप्यूटर और आई वाला पोर्सन इसको मैंने ग्रुप ए में रखा है शिक्षा मनोविज्ञान और उसी से जुड़ा शैक्षिक प्रदृश्य को मैंने ग्रुप बी में रखा है और विद्यालयी विषय चाहे वो लेवल वन के हो या लेवल टू के उसके साथ उस विषय की शैक्षणिक रीति विज्ञान को मैंने ग्रुप थ्री में रखा है अब करना क्या है इन तीनों को आपको रोजाना पढ़ना है डेली पढ़ना है जीके में से, से भी रोज पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान में से भी रोज पढ़ना है विद्यालय विषय में से भी आपको रोजाना पढ़ना है रोजाना तीनों बिंदु सिलेबस के पढ़ने हैं यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स वाला जो पोर्सन है वो पूरा मैं आपको यूट्यूब पर फ्री करवाने वाला हूँ इसके साथ साथ सामान्य ज्ञान के बहुत सारे चुनिंदा टॉपिक भी मैं आपको फ्री करवाने वाला हूं शैक्षिक परिदृश्य का जो पूरा पोर्शन है वो मैं आपको पूरा फ्री करवाने वाला हूं मैं बता दूं आपको कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म मैं आपको यूट्यूब पर करवाने वाला हूं ये जो आप देख रहे हैं शैक्षिक प्रदृश्य वाला ये चारों यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे इसके बाद आर वाला जो सेक्शन है वो आपको पूरा का पूरा यूट्यूब पर मिलेगा इसके अलावा ये जो सामयिक विषय वाला है करंट अफेयर्स का ये आपको पूरा का पूरा मंथ वाइज महीने बार आपको पूरा का पूरा YouTube पर मैं आपको निशुल्क करवा दूंगा इसके बाद हम वापस अपने सिलेबस के डिस्कस पर बात करें तो ये तीनों बिंदु आपको रोजाना छूने हैं अब किस बिंदु को कितना पढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड है आपका सिलेबस का कौन सा भाग कितना ज़्यादा लंबा बाकी पड़ा है उसको उतना ही ज़्यादा समय आपको देना है ठीक है ना इस तरह से आप बांट सकते हैं आगे बढ़ते हैं सिलेबस के प्रत्येक हिस्से को कितना समय दे सिलेबस को प्रत्येक हिस्से को उतना ही समय दे जितना वो बाकी है बस जिस अनुपात में सिलेबस बाकी है या जिस अनुपात में रिविजन बाकी है उतना ही समय उसको दे रिवीजन जिसका 20 दिसंबर तक पूरा हो गया वो 21 दिसंबर से पूरा कंप्लीटली अदरवाइज एक जनवरी से नए साल से आपको रिवीजन पूरा करना है या जिनका अब सिलेबस पूरा हो गया साथ साथ में रिवीजन करना चाह रहे हैं वो हर वीकेंड पर आपके सप्ताह के अंत में आप सिलेबस के वो सभी पॉइंट जो इस सप्ताह में पढ़े उनका रिविजन जरूर करें रिविजन से चीजें आपके लिए थोड़े लंबे समय के लिए स्थायी रहती है बहुत सारे विद्यार्थियों का ये मन में प्रश्न रहता है कि सर पढ़ते समय नोट्स बनाएं या सीधा ही पढ़ें या कैसे पढ़ें नोट्स नहीं बनाए तो देखिए नोट्स को लेकर के कुछ चीज़ें मैं बता देता हूं अब नए नोट्स बनाने का आपके पास समय नहीं है लेकिन यदि किसी ने पुराने नोट्स चालू कर रखे तो वो जरूर नए उन नोट्स को कंप्लीट कर लें दूसरों के बनाए हुए नोट्स यदि आप पढ़ते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो नोट्स बनाता है वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है उसे जो सब्जेक्ट नहीं आता है या जिस सब्जेक्ट के जो पॉइंट उसे नहीं आते वो उनका ही नोट्स बनाता है तो हो सकता है कि कुछ बिंदु उसमें से छूट जाए तो दूसरों के बनाए हुए नोट्स आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है अब तीन महीने में आप नोट्स बना के पढ़ सकेंगे क्या मुझे नहीं लगता कि अब तीन महीने में आपको नए नोट्स बनाने चाहिए लेकिन लेकिन फिर भी यदि किसी को लगता है कि मेरी आदत है नोट्स बनाने की मुझे कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने चाहिए तो आप भी कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स के नोट्स बना सकते हैं छोटे छोटे नोट्स शॉर्ट नोट्स टू द पॉइंट जैसे राजस्थानी भाषा के चार बिंदु है उनका आप नोट्स बना सकते हैं दस पेज से ज़्यादा उसके नोट्स नहीं होने चाहिए है ना शैक्षिक परिदृश्य का जो पोर्शन है उसके आप नोट्स बना सकते हैं यदि आप अब जीके में घुस गए नोट्स बनाना शुरू कर देंगे तो आपका अधिकांश समय उस नोट्स बनाने में चले जाएंगे दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है बनाए हुए नोट्स आपके लिए एक नई किताब की तरह ही है जब तक आप उनका रिविजन नहीं करते हो तो नोट्स बनाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप उनका मल्टीपल टाइम रिविज़न करें देखिए दूसरों के बनाए नोट्स ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है अब नए नोट्स बिल्कुल ही नहीं बनाए जो नोट्स कंटिन्यू है पुराने उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं फिर भी यदि आपको लगता है कि छोटे छोटे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए जाए तो आप उन्हें सोर्स और टू द पॉइंट नोट्स ही बनाए अब बात आती है टेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको टेस्ट देना चाहिए कैसा टेस्ट दें सप्ताह में आपको कम से कम एक और या फिर एक से एक देने के बाद भी दो भी दे सकते हो आप कम से कम सप्ताह में एक तो देना ही देना है अदरवाइज दो टेस्ट जरूर दें। यदि आप ऐसा भी करेंगे ना तो अभी बारह सप्ताह ही बचे हैं, बारह टेस्ट ही आप दे पाएंगे और या फिर दो देंगे तो चौबीस टेस्ट इतने टेस्ट आपके लिए पर्याप्त होते हैं अब मैं कह रहा हूं टेस्ट दे कहां से तो कम से कम दो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप टेस्ट दें अब आपको बाजार में खूब सारे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी जो आपका टेस्ट सीरीज़ आपका सही मूल्यांकन करे, जिनके प्रश्नों का स्टैंडर्ड लेवल हो वो ऐसी दो टेस्ट सीरीज ज़रूर दें और उसमें से एक टेस्ट सीरीज़ तो आप कम से कम ऑफलाइन जा करके ज्वाइन करें इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन भी टेस्ट सीरीज चल रही है आप वहां से भी एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज पा सकते हैं इसके लिए आपको प्ले स्टोर से क्वालिटी एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके साथ वहां से जाकर के बिल्कुल ही मार्जिनल फीस में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है अब टेस्ट दो तरह के होते हैं एक तो शेड्यूल वाइज एक फुल लेंथ वाइज यदि आपका सिलेबस अभी भी चल रहा है पूरा नहीं हुआ है तो आप शेड्यूल वाइज टेस्ट दें और यदि आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो आप फुल लेंथ के टेस्ट जरूर दें मुझे लगता है सप्ताह में एक शेड्यूल वाइज और एक फुल लेंथ टेस्ट जरूर देना चाहिए यह टेस्ट आपका आंकलन करते हैं और यह टेस्ट ये बताते हैं कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आपका स्तर क्या है आपको तैयारी और कितनी अच्छी करनी चाहिए टेस्ट देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस टेस्ट का एनालिसिस करना अब एनालिसिस कैसे यदि कोई प्रश्न आप टेस्ट में गलत करके आए हो और वापस आपको यह ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसका गलत आंसर ही याद रहेगा यदि आपने तुक्का मारा है तो भी आपको वो गलत आंसर ही याद रहेगा इसलिए अपने उत्तर की चेक पूरी ईमानदारी से वापस आकर के करें वही टेस्ट का एनालिसिस है जो गलत उत्तर हो गए उनको सुधारें और जो सही उत्तर हुए उनको पक्का करें यही एनालिसिस है और इस एनालिसिस को पूरी ईमानदारी से आपको करना है हर बार ये कोशिश करें कि पिछली बार से हमारा टेस्ट में नंबर ज़्यादा आए और हमारी जो रैंक है वो ऊँचाए नंबरों की बात तो चलो देखते हैं कि टेस्ट के लेवल पर डिपेंड करता है कि भाई टेस्ट हार्ड आ गया तो नंबर कम आ गए टेस्ट ईजी आ गया तो नंबर ज्यादा आ गए लेकिन रैंक में आप मुझे लगता है कि टॉप के 10 से 15 परसेंट लड़कों में आपको आना है तब यह लगेगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में यदि 1000 लोग टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी रैंक 100 से 150 से नीचे नीचे होनी चाहिए तो यह माना जाएगा कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। इससे ज्यादा बाहर आ रही है तो आपको अपनी रैंक और सुधारने की आवश्यकता है यह एक मोटा मोटा पैमाना है अब कई बार हम नंबरों की बात करें तो हो सकता है कि डेढ़ सौ में से अस्सी नंबर ला करके आप आई एस तो पास कर सकते हैं लेकिन रीट नहीं कर सकते तो अलग अलग पेपर का पेपर के लेवल के अनुसार टेस्ट का जो है वो टेम्परामेंट रहता है उसके अनुसार वो चीजें रहती है नेगेटिव मार्किंग इसको लेकर के मैं आपको एक अलग ही पूरा का पूरा सेशन लेकर के आऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग होती क्यों है नेगेटिव मार्किंग से आप कैसे बच सकते हैं कट ऑफ कितनी रह सकती है देखिए किसी भी एग्जाम की पहले से कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं की जा सकती कि इतना नंबर ले आए और आपका अनश्योर सिलेक्शन हो जाएगा यह डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है यदि पेपर का लेवल इजी है तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी यदि पेपर का लेवल टफ़ है तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी तो आपको पहले से किसी भी प्रकार की पूर्व धारणा लेकर के आपको नहीं जाना है कि इतने नंबर ले आऊंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा आपको अपनी क्षमताओं का मैक्सिमम यूज़ करना है कट ऑफ कितनी रहेगी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है लेकिन आपकी जितनी कैपेसिटी है उतने नंबर आपको लेकर के आने हैं

कम नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन लेकिन पता कैसे चलेगा कि पेपर इजी है या पेपर टफ है यदि आपको टफ़ लग रहा है आपकी अच्छी तैयारी है बहुत बहुत बढ़िया तैयारी है आप टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं सिलेबस किया आपने रिवीजन किया नोट्स बनाए पढ़े बहुत बार रिविज़न किया फिर भी यदि आपको पेपर टफ लग रहा है तो वह पेपर सब लिए टफ है और उसके बाद भी आपको पेपर ईजी लग रहा है तो वो पेपर सबके लिए ईजी है अब पेपर ईजी टफ को कैसे करेंगे अलग सेशन में हम बात करेंगे पूरी की पूरी लेकिन आप एग्जाम देने से पहले ये पूर्व धारणा बना करके नहीं जाएं कि इतने नंबर लाने के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा आपको अधिकतम नंबर खींचने हैं इससे होगा क्या आप कट ऑफ से ज्यादा ऊपर भी जा सकते हैं और यदि आप नीचे हैं तो आप सिलेक्शन वाली जो कैटेगरी है उसमें आप आ सकते हैं अब कुछ ऐसी बातें जो इन तीन महीनों में आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है और बहुत ही जरूरी है इन बातों को ध्यान रखना ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो कुछ ऐसी बातें जो आपको करनी है कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं करनी करना क्या है अब यह समय आ गया है जब आपको रोज आठ से दस घंटा नियमित रूप से रोजाना पढ़ना है कम से कम आठ से दस घंटा रोजाना पढ़ना है यह तो हुई रोजाना की बात दूसरी बात निरंतरता होनी चाहिए एक दिन पढ़ लिया फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं हमने तो आज बहुत पढ़ लिया अब हमको अगले दिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मैं कह रहा हूं मुश्किल से नब्बे दिन में एक दो दिन जो अति आवश्यक हो उनको छोड़ करके पूरे नब्बे दिन पढ़ना मैं तो कह रहा हूं वो भी नहीं रोज पढ़ना है एग्ज़ाम के दिन तक डेली पढ़ना है कोशिश ये करें रोजाना आठ से दस घंटे तक पढ़ें अच्छी संगत में रहे मुझे लगता है कि इनमें से सबसे बेहतरीन पॉइंट यही है कि अच्छी संगत में रहे इस समय आपके आसपास ऐसे मित्र होंगे जो आपको सवाल पूछते हैं आपको नहीं आता तो डिमोटिलाइज करते हैं आपको है ना आपका मुरा है जो डाउन हो जाता है कि यार ये सवाल भी मुझे नहीं आया ऐसे दोस्तों की संगत से बचें अपने आप को और आपके साथ वालों को मोटिवेटेड रखने वाले दोस्तों की संगति में रहें। ये जो ऐसा समय है ये आपका करियर तय करने वाला है और इस समय यदि आप किसी गलत संगत में चले गए तो हो सकता है आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे इसलिए अच्छे दोस्तों की संगत में रहें। सर्दी आने वाली है इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें अपनी डाइट का अपने खान का और गर्म कपड़ों का पूरा ध्यान रखें अपना यदि आप बीमार हो गए और इस दौरान पाँच से सात दिन यदि आपके ख़राब हो गए तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा आपकी तैयारी में इसलिए खुद का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है यदि शरीर स्वस्थ होगा तो उसके अंदर आपका मस्तिष्क भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा और रेगुलर टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है रेगुलर टेस्ट देने से यह होगा कि आपको निरंतर रूप से यह पता चल जाएगा कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं आप कहाँ जा करके अपना टेस्ट में स्टैंड कर रहे हैं आप किस प्रकार के लोगों में आ रहे हैं यदि आप लगातार टॉप टेन परसेंट लोगों में आ रहे हैं यदि आपकी रैंक लगातार दस परसेंट के जो टॉप लोग हैं उसमें आ रहे हैं उदाहरण से सौ लोगों ने टेस्ट दिया तो आप दस से पंद्रह तक की आपकी रैंक रही है तो आपकी तैयारी अच्छी है हज़ार लोगों ने टेस्ट दिया तो आपकी रैंक सौ से एक सौ पचास तक रही तो आपकी सिलेक्शन वाली तैयारी है लेकिन यदि आपकी रैंक हज़ार लोगों में ढाई सौ तीन सौ के बाहर रही है इसके बाद आती है चार सौ के आसपास आती है तो आपको अपनी तैयारी को और अधिक करने की आवश्यकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो अब आपको नहीं करनी है बिल्कुल ही नहीं करनी शादियों का सीजन शुरू हो गया है समारोह और फंक्शंस इस समय बहुत आ रहे हैं आपको नहीं जाना है यदि आपके जाने से या आपके आपके नहीं जाने से कोई शादी रुकती है तो आपको जाना है और ऐसी केवल आपकी ही शादी है जो आपके नहीं जाने से रुक जाएगी अदरवाइज़ आपके अलावा किसी की शादी आपके नहीं जाने से नहीं रुकेगी अवॉइड कीजिएगा मेरी आपको स्ट्रिक्टली सलाह यह है कि आप शादियों में फंक्शंस में जिसमें बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत ही ज्यादा जरूरी है कोई विकल्प नहीं है जाने के अलावा तो जरूर जाकर के आइए न्यूनतम समय में जाकर के आइए लेकिन जितना हो सके अवॉइड करें तो अवॉइड करना ही चाहिए यह आपके शेड्यूल को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देगा मोबाइल और सोशल मीडिया मोबाइल का प्रयोग केवल और केवल अपने पढ़ाई के लिए करें और सोशल मीडिया से तो पूरी तरह अपने को दूरी बनाकर रखनी है केवल YouTube और उसके अलावा Telegram ये दो आपके काम की चीज़ें हैं इनको आप लगातार देखते रहें इनसे आप लगातार अपनी पढ़ाई को और अधिक मजबूती देते रहे WhatsApp आपके किसी काम का नहीं है Instagram आपके किसी काम का नहीं है Facebook आपकी तैयारी तक कोई भी प्रकार की मदद करने वाला नहीं है किताबों की भीड़ इस समय इकट्ठी नहीं करें बिल्कुल भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है अब मार्केट में बहुत सारी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा कई विद्यार्थियों का यह रहता है कि बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लें और सब किताबों को बार बार पढ़ें इससे अच्छा है आप किसी अपना स्टडी मटेरियल पहले से सेलेक्ट करें और उस स्टडी मटेरियल को बार बार रिवाइज़ करें मैं आपको देख रहा हूँ ये चीज़ बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि हर कोई टॉपर्स जो आप यूट्यूब पर जाकर के कहीं पर भी देख लीजिएगा वो यही कह रहे हैं कि मैंने सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल चूज़ किया और उसके बाद उसका मैक्सिमम टाइम मैंने रिविज़न किया तो आप भी ऐसा ही करें स्टडी मटेरियल को ज़्यादा बड़ा नहीं करें उसको लिमिटेड रखें टू द पॉइंट वाले रखें और मिनिमम किताबें रखें उनका मैक्सिमम टाइम रिवाइज करें उन्हीं को आप बार बार पढ़ें ठीक है ना टेस्ट में यदि किसी टेस्ट में नंबर कम आ जाए और किसी कारणवश कोई भी कारण रहा हो इस वजह से आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो उसकी इस समय आपको आवश्यकता नहीं है हो सकता है इतने सारे टेस्ट आप दें और उन टेस्टों में किसी में भी आपकी रैंक खराब आ जाए तो आप कई बार आपका जो मुराल है वो डाउन हो जाता है तो इस तरह के सेशन में हम ये भी आगे भी आपके लगातार लेकर के आएंगे नेगेटिव मार्किंग से आपको कैसे बचना है टेस्ट में स्कोर अच्छा कैसे करना है तो ये सब चीज़ें जो आपको करनी है और ये सब चीज़ें जो आपको अगले तीन महीने के दौरान नहीं करनी ये सिलेबस के कुछ पॉइंट हैं इनमें से मैं आपको बता देता हूँ कि कई सारे पॉइंट मैं आपके लिए यूट्यूब पर लगातार लेकर के आने वाला हूँ जिसमें ये हाँ एक बात और कुछ छोटे छोटे चैप्टर हैं कुछ छोटे छोटे आपके सिलेबस के हिस्से जिनको आपको कंप्लीट करके साइड में रख देना चाहिए जैसे राजस्थानी भाषा वाला पोर्शन है केवल चार बिंदु है इन चार बिंदुओं को आपको कंप्लीट करके रख देना चाहिए जैसे जैसे सिलेबस का भाग पूरा होगा आपको एक प्रेरणा अपने अंदर से मिलेगी शैक्षिक प्रदृशी वाला पूरा पोर्शन आपको मैं यूट्यूब के क्वालिटी एजुकेशन चैनल पर करवाने वाला हूँ आर टी राजस्थान नियम और सब कुछ राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी ये हमारा वीडियो आ चुका है और इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़े कई सारे वीडियोस मैं आपको लगातार लेकर के आने वाला हूँ समसामयिक विषय करंट अफेयर्स पूरा का पूरा, पूरा आपको महीने बार यूट्यूब पर लगातार लेकर के आने वाला हूँ शैक्षिक मनोविज्ञान और इसके बाद के जैसे सूचना तकनीकी वाला ये भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा और इसके अलावा इसको आप स्वयं भी अभी से पहले से पढ़ करके साइड में रख लीजिएगा केवल चार बिंदु है तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे जो बिंदु है दस दस नंबर के बीस बीस नंबर के इनको आप पढ़ करके पहले से ही एकदम से तैयार करके रख लीजिएगा ताकि बर्डन नहीं आएगा तो ये था हमारा आज का सेशन यदि आपको पसंद आया तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करें और जाते जाते कमेंट करके ज़रूर ये बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा और अगला जो सेशन है उसमें हम आपके किस प्रकार से और सहायता कर सकते हैं आपके लिए और क्या नया कर सकते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आप चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके माध्यम से आप हम नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक हर जरूरी जानकारी पहुँचा सकेंगे और आपकी तैयारी में मदद करने में और मददगार साबित हो सकेंगे थैंक यू वेरी मच